रितु कहाँ रह गई अभी ले ना आइलस नागेश फोन करके बतौलस कि ना ये वही जो राम रच रखा का कोई तरक बड़ा हूँ साखा राम से बस होता चल गया है। चाची जी रितु बेटी आ बैठ आ। चाची जी राव बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वो काहे खाती हो? चाची जी रउआ हमार भाई के छुड़ौनी जेल से एकरा खातिर। रितु बेटी तारा अभी यह लगता कि तहार भाई निर्दोष बा। खैर तहार सोच बा अब हमें में का कर सकीले। अब देखा ना पवन बाहर रही है तो भोला बाबू और चैताली के रिश्ता खाती खतरे रही है। अब तो रहबे न करी है बाहर तो अपने भाई से कह दी है कि हमारा बेटी से दूर रही है। चाची जी रुआ बिल्कुल परेशान मत होगी हम पवन भैया के समझा दी। रितु दा हम बना देता नहीं काहे माई जी रवा के अच्छा ना लगे कि हम रजो चाची की मदद करत आनी उनकर बेटे के शादी की सालगिरह में। ई का कहता नहीं रितु माई हम तो सही कहता नहीं अब रवा के अच्छा लगे और चाहे ना लगे हम तो रजो चाची की मदद करब कैसे कि उनकर हमरा ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वो हमार पवन भैया के जेल से छुड़वेले बने लोग की वजह से हमारे पवन भैया जेल गए। रितु जी आप माई पर इतर झूठा इल्जाम मत लगाएं। कैसे कि जौन कुछ भी भइल बटे उस सच्चाई सबके हो जाना तक अब ये तरह तो माई से मत बोली। माई शायद रितु जी गुस्सा में रही कहीं से कुछ कुछ बोल दिली माई उनकरा तरफ से हम हाथ जोड़ के तरफ से माफी मांगा थे उनकरा की सब ना बोल चाहते माफ कर दो मैं। नहीं मिथिलेश बेटा रितु के बाद के हमके तन को बुरा ना लगन भला अपन लेकन के बाद के हमरा के का बुरा लगे हम तो ये सोच के खुश बानी कि तू दोनों की गृहस्थी बस जाए बस। अच्छा उसका ठीक है तू है कुल रोमा हमरा की नागेश कहाँ बंद कहीं ले बाप समझ नहीं खिया तुम कहाँ गिल बाप पता ना हमरा माँ बाप जी लोग कहाँ हुई लो कैसे हालत में हुई लो नागेश हमरा के कहाँ बंद कर दिले कुछ बुझाते नहीं जीजा जी रहुआ रहुआ का हमनी के छोड़ के चल गई नहीं हमनी तो एकदम अनाथ हो गई नहीं अब रहुआ के देख लेने ना हम एकदम जान में जान आ गई ला रितु बेटी ब्याह करके अपन घर चल गई नहीं और पवन बाबू जेल चल गई ला हमने के तो बुझाते नहीं गए हमने के का करी का जाई हमने के तो अकेले रह गई नहीं अब तक खाली बस पवन के चिंता बा। कल रितु के फोन आयल रहला रितु खाली
पवन के जमानत हो गई, लेकिन अभी तक पवन ना आए लग काजी ने कहा चल गए लग। हमरे तो यू नहीं के पता कि पवन के जमानत के करेला। रितु बेटी के फोन बा। हेलो हेलो, पवन भैया घर पहुंचले का? ना रितु बेटा, पवन बबुआ घर ना आयलन। हमरा तो बहुत चिंता होता हूँ कजने कहाँ चल गई। रुआ परेशान ना होगी, हम पता करे के कोशिश करता नहीं। ठीक मैं बेटी। आखिर पवन भैया गईले कहाँ? हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम रितु बोला था नहीं। हाँ बोले। हम पवन भैया के पता करे के खातिर रुआ के फोन कर ले बानी। पवन के बारे में? हाँ। पवन यहाँ नहीं के, कलहो का जमानत हो गई। लेकिन वो अभी तक घर नहीं के पहुँचले इंस्पेक्टर साहब। यहाँ से छुटला के बाद वो कहाँ गई है ये हमारा नहीं के पता। मैं वैसे भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम बस इतना बता सके नहीं कि नागेश भैया को जमानत कर रहे। लेकिन जमानत के टाइम ओकरा लेवे खातिर यहाँ कोई नहीं के आए थे। हो न का जाके ढूंढा अपना भाई के। तू चताली की मजबूरी के फायदा उठावला? हमरा के तारा पे तनको भरोसा नहीं है, तारा के अपन भाई कह में भी अब शर्म आवत। रितु देखा तू हमरा के समझ नहीं खो पावत। हमें तारा गलती बाटे, हम का करी के कर रहे हमरा साइड लेवे के। हम चताली से प्यार करेंगे, एक खातिर चाहे हमरा जेल भी जाए का पड़े। पवन तू ये जा। हे भगवान, हमर बेटी के जिंदगी जरे फिर से जा गई। रितु हम कहत रहनी तो तारा बड़ा खराब लगत रहनी। देख अपना आँखी से देख ला कि तार भाई कैसन बा, पता ना कौन माटी के बनल बा। अरे तोरस खा के एकरा पे हम एकरा के जमानत दिवई, अब फिर मुंह उठा के आ गई हमरा घरे हमरा बेटी की जिंदगी बर्बाद करे का। फिर तू बेटा इस कमरे में जोन कुछ भइल ओकरा के इज्जत अपना दो, बाहरी बात ना जाए के चाहे। कहे कि तू ई घर में अभी नया पतो हो बाड़ू, 50 को दुश्मन बाड़ा सता है। अब फिर तारा भाई के बाद बाहर लोग पता चली तो भोले बाबू के सामने तार नाम खराब हो जाए। यही जब बात खत्म कर दो, अपना भाई के बोला चुपचाप जैसे निकल जाओ। ना चाची जी, रुआ वैसे भी हमरा ऊपर बहुत एहसान कर ले बानी। बाकी अब हमरो कुछ फर्ज बना था, हम पवन भैया के यही से बचावा चाहनी कि हमरा के लगल कि हमार भाई मासूम है। बाकी इनकर सच्चाई सबके सामने आवे के चाहिए। इस सच्चाई के पर्दाफाश हम खुदे करो।
पवन ऐसा का करत बा? पवन जी आपका करेल बढ़ाई जाए। हम अपना भाई खातिर पूरा परिवार से लड़ने सबके खिलाफ गई, ये खातिर हम सब लोगों से माफी मांगा था, नहीं गलती हमार रहे। रज्जू चाची हमार हालत देख के तारा के जेल से छुड़ोगी, और तू एजा आके चेताली और भोला जी के रिश्ता खराब कर दू। आज के बाद हमारा तार कोनो रिश्ता देखे। सब कुछ खत्म हो गए, हम एक बार फिर रवा लोगन से हाथ जोड़ के माफी मांगा करें। नारी तू भाभी हुआ माफी मत मांगी, राउर कोनो गलती नहीं की। भोला जी रवा बहुत नेक दिल के इंसान हवा, और एगो ई बारे ऊपर से नीचे तक हैवानियत भरल, अब तहार यहां कोनो जगह नहीं है। निकल जा यहां से, फिर कबो भी अपन मुंह मत दिखना। दोस्तों आज हम रवा लोग के वीडियो के माध्यम से कुछ बतावल चाहता नहीं। समाज में कुछ लोग ऐसे बड़े जो अपन कला के माध्यम से औरत और लड़किन के साथे बदतमीजी करे ले, और खासकर वो लोग जो औरतन के कपड़ा पहन के समाज में नाचे ले, वो अपन फूहड़पंती प्रदर्शित करे ले। बहु ये तू का बोला तारू, तोरा के ऐसा ना बोले के चाहिए बेटा, एक गलत बात बा। बाकी चाचा जी हम का गलत बोला था नहीं, अपने घर में एगो नामचीन कलाकार बाड़े मिथिलेश जी, और वो जो उन हरकत कैले बाड़े तो एकरा वजह से ही तो हमार जिम्मेदारी बना था कि उनकर असली चेहरा समाज में हम लेकर आए। और अगर मिथिलेश जी चाहता नहीं कि हम ये वीडियो ना बनाए या ये सब हम ना करी, उनकरा के वो लड़की से हाथ जोड़ के माफी मांगने की पड़ी। ये सच नहीं खे रितु, हमार बेटा ऐसा गलत काम ना कर सकेला। अरे जो तू तू रीतू के साथ देता रू, तू तो जाने लू ना मिथिलेश औरत लोगन के कितना इज्जत करेला, और जे लड़का औरत लोगन के इतना इज्जत करेला वो ऐसा विरल काम कर सकेला का? दीदी जी हम नो तंग आगल बनी घर वाला लोग, एक घर के लोग के जब तक कोनो ठोस सबूत ना मिले तो कोनो बात पे विश्वास ना कर। अब रितुए की ले ली, इनका भाई के सच्चाई जब तक सामने ना आई कि केहू पर विश्वास ना कर। हम ठीक कहते नहीं रितु बेटा, कोनो गलत तो नहीं कहा?
रितु तो ये घर में नया नवेली दुल्हन बाड़ी पतो हो बाड़ी, इनका मिथिलेश के बारे में क्या पता सब कुछ। बाकी दीदी जी, रघुआ तो मिथिलेश के माई है। अरे रघुआ तो सच्चाई बताई कि सच्चाई पता करे खातिर सीबीआई बोलावे के पड़ी। देखिए दीदी जी, पाप छुपावे वाला और पाप करे वाला दोनों दोषी होते। अब कल के रघुआ मिथिलेश के सच्चाई पता चले तो रघुआ मिथिलेश के घर से बाहर निकाले कि मिथिलेश के साथे साथे रघुआ बाहर चले। बस चाची जी बस, आपके सामने हम हाथ जोड़ते नहीं, चुप हो जाइए, भगवान खातिर चुप हो जाइए। ये माई है, माई से तो ऐसा बात मत करी। हमार मुंह तो बंद कर दे, बाकी लोग के मुंह कैसे बंद करवा। अरे जब गलती कैले बड़ा तो तेरा माफी तो मांगा ही के पड़ी। ठीक बैठ। हम अपना गलती पर बहुत शर्मिंदा बानी, जोन मैसेज कहनी ओकरा खातिर हम रउआ से हाथ जोड़ के माफी मांगत हैं। ले देख ले। ठीक बा मिथिलेश जी, रउआ दोबारा कबो औरतन के साथ ऐसा घटिया हरकत मत करिया। कैसे कि हम नहीं की चाहत की रावरी घटिया हरकत की वजह से हमार कुल डायरी के पन्ना भर जाए। आई सब करा के हमें जाए इकट्ठा के लिए बनी। बताएं रितु जी, सब करा के बताएं कि आप रजो चाची और गोपाल के बात करत का सुन ले रहे। मिथिलेश भैया बात की खत्म करिए। गोपाल आज चुप रहत। आज हम बोलम सबके सुने दले। रितु जी तो बताएं कि आप रजो चाची के मुंह से आपका सुन। आप यह बात सुन ले रहे ना कि हम अपन नाच मंडली के इंटरव्यू दिए नहीं। बोली रितु जी। हाँ ये सुन ले रहे। रितु जी ये बात बिल्कुल सच बट हम इंटरव्यू दे ले रहे। लेकिन हम इंटरव्यू कहा दे ले बनी, कौन सी दे ले बनी ये जाने कोशिश ना करम। अरे बस रितु अभी हमारे बात समाप्त नहीं है। हमरा के बोले दी हम आपसे झूठ नहीं बोलत। रितु जी ऐसे सब करा के खाती इकट्ठा के लिए बनी कि आपके सच के बात के पता चल सके। गोपाल हाँ वीडियो चालू करो और इंटरव्यू दिखाओ हम। हाँ भैया। मितवा जी बहुत बहुत स्वागत बा रघुआ के आज के प्रोग्राम में। जैसन की रघुआ के मालूम बा कि प्रोग्राम मशहूर लोगन के पत्नी के बारे में बा। काहे से कि मशहूर लोग तो पहले से मशहूर पड़े सब के हो उनका के जाने ला है कि ना। बिल्कुल सही कहा था नहीं तो पूछी क्या पूछल चाहता नहीं आप हमरा से। सवाल तो बहुत बा लेकिन रघुआ खुद ही बता दी अपनी पत्नी जी के बारे में जैसे उनका नाम प्यार से रघुआ उनका के का कह ले उनका स्वभाव वगैरह वगैरह। रघुआ खुद ही बता दी अपनी पत्नी जी के बारे में जैसे उनका नाम
प्यार से रउआ उनका के का कहले, उनका स्वभाव वगैरह वगैरह। रितु जी नाम है वहां के, प्यार से हम यहाँ के रितु जी कहले। वहां के हमार धर्मपत्नी है, यहाँ के स्वभाव से एकदम देवी के समान बनी। वहां के हमरा से ज्यादा पढ़ल लिखल बनी, यहाँ के हमरा से ज्यादा समझदार बनी। ऋतु जी हमरा से हर चीज में आगे बनी। इत हमार सौभाग्य बटे कि ऋतु जी हमार पत्नी है। पहले हमार जिंदगी एकदम अधूरा रहे, एकदम अधूरा, लेकिन जब से ऋतु जी हमरा जिंदगी में आई, हम एकदम पूरा हो गए। हर सुख दुख में साथ देनी है आके हमरा। हम भोलेनाथ से यह प्रार्थना करम की कि हमने के दोनों जने के हरदम एक साथ रखस और खुश रखस। माफ करम रितु जी, हम आपके बारे में सब कुछ इंटरव्यू में बताऊंगी, लेकिन बस एगो चीज ना बता पाऊंगी। बे मतलब के कबो कबो बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेंगे, बिना सोच ले समझ ले आप कुछ हो बोल दिए, ई ना बोल पाऊंगी, माफ कर देना। जो ठीक से बैठ गलू ना बस में, अच्छा पहुंच के हमरा के फोन कर दिया, ठीक बा, रखा था नहीं। चाचा जी, चाची जी कहां गई ली? रज्जो के पिताजी के तबियत ठीक नहीं थे बेटा, ऐसे वो अपन मायके चल गए बाड़ी। का बात बा बेटा, इतना परेशान का है बाड़ू? कोनो बात बता हमरा से बतावा। अब रउआ के कैसे बताई कि जवन मुसीबत में हम फंस गईल बानी, वो मुसीबत से हमरा के सिर्फ रज्जो चाची ही बाहर निकाल सकेली। अगर पूनम ओकर परिवार के पता चल गई कि हमार पति एगो नचनिया बा, तो सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाई। का सोचा तारू? अरे कोनो बात बा तो हमरा से बता सकेलू। हमार बहू ऐसे परेशान रही, ई बात हमरा के ठीक लगी। बतावा का बात बा? बात तो ई बा के काल ऋतु भाभी के एगो खास सहेली पूनम अपन पूरा परिवार के साथ यही जावत अड़े, यही से उनका आवे के तैयारी खातिर ही ऋतु भाभी परेशान बानी। अगर ऐसा बात बा तो उन लोग खातिर बढ़िया से इंतजाम करे के पड़ी। और न तका, पहली बार उ लोग यही जावत अड़ी तो नाश्ता खाने में तो बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने के चाहिए। उन लोग के आव भगत में कोनो कमी ना रहे के चाहिए। और पूनम जी के पति से भोला जी बतियाली, कैसे कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल ले भोला जी, पूनम जी और उनका पति के एकदम इम्प्रेस कर दी। और उन लोग के भी फकर हुई कि ऋतु भाभी के नंदोई एको बहुत पढ़ल लिखल आदमी बा। चाचा जी, वो चाची के पिताजी की तबीयत खराब लगे, कुछ खबर मिलने लगा? वो तो अभी अस्पताल में भर्ती बाड़े बेटा, और थोड़ी देर में रज्जू भी ओजा पहुंच जाए तब आगे के समाचार मिल पाए। ठीक बा, हम ही कहत रहनी कि खाली और फोन करके पूछ ले रहे था तो पता चल गई रहे। भैया तरह के पता बा कि काल ऋतु भाभी के एगो बहुत खास सहेली पूनम जी अपन परिवार के साथ यही जावत आड़ी। ऋतु भाभी बतैनी कि पूनम जी के पति बहुत बड़ बिजनेस मैन बा, यही से उनके आव भगत में कोनो कमी ना होए के चाहिए। आखिर हमारे भाभी के इज्जत के सवाल बा, हम अभी से तरह के बता देनी कि कल कहीं जइया मत। अरे नाना बिल्कुल हम कहीं ना जाए, तो बिल्कुल चिंता मत कर ले। अरे हमने के मेहमान लोग आओ तरन जाओ, हम लोग बढ़िया से खातिरदारी कर जी, निश्चिंत रह ले। आप रितु जी, हम ये कह तरन यहाँ की अगर आपके कोनो मदद की जरूरत पड़ी तो आप हमरा के बोल दे। हाँ
हमी कहत रही है कि काल जो आपके सहेली आवत हटे से हमरा के मिलवाई में हाँ हाँ जरूर मिलवाई मिलवाई का रुआ के बहुत खूबी भी बताए जैसे रुआ नाच मंडली के इंटरव्यू में रुआ अपन पत्नी की तारीफ कर ले रही ना हमार खूब तारीफ कर ले रही वैसे ही हम और रुआ के खूब तारीफ करो अगर मिलवाई तो का बोला अपन सहेली से कि हमार पति औरत लोग के कपड़ा पहन के नाचे ले उखरा के बताए कि हमार पति कितना मशहूर नचनिया बने पूरा गांव जवाहर इनका के मितवा के नाम से जाने ले ना 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 ये हमरा से ना हो पाई हम रुआ के ना मिल पाए ना ऋतु जी हाँ कहाँ खो गए नहीं हम ही पूछत रहनी है काल आप हमरा के मिलवाए कि ना 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 मिलवाए ना मिले मतलब कहे कहे से कि रुआ के काल रजो चाची के गांव जावे के बाद सुबेरे सुबेरे रजो चाची गांव जाए अचानक कहे हमरा के रजो चाची गांव जाए थे उ कहे ना कि दरअसल चाची जी हमरा से बतवले रहली कि उनकर पिताजी की तबीयत खराब हो गई बाड़े तो उ हमरा से कहली कि पंडित जी से बात करके उनकर पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए पंडित जी ऐसा कुछ बात बता दी है तो पंडित जी से हम बात करनी तो पंडित जी हमरा के बोले कि रात में महामृत्युंजय के जाप करे के पड़ी लाल धागा हाथ में बांध के तो उ हम करब रात में जाके महामृत्युंजय का जाप और उहे रात का धागा लाल धागा लेकर रउआ के चाची जी के गांव जाए के पड़ी और उनके पिताजी के हाथ में जब रउआ बांध दे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए अब मिथिलेश जी रउआ चाची जी के गांव जाइबा ना हाँ हाँ जब इतना कुछ हो गई बेटे तो हमारा किधर जाएंगे पड़ी नागेश भैया ये तैयार हो गल बा एकर नाम बा कौन चीज बा एकर नाम लेवे के जरूरत नहीं थोड़ा इंतजार कर चलो आप सब लोग तैयार हो हम जब फोन करे तो ई चीज के सही जगह पे लेके पहुंच जाइए कोनो गलती ना होवे के चाहिए हाँ चलो चलिए तैयारी कर ले लेवानी हम बैंड बाजा तैयार बा आग लगावे के सामान भी तैयार बा और हमरा ई बम के गोला भी तैयार बस ई बम दागे के इंतजार और ई बम दागे के इशारा तो रज्जो चाची हमरा के दिए पर अगर फोन तो बंद बा लागता कि बम दागे खातिर हमरा के थोड़ा और इंतजार करे के पड़े ठीक बा